सी जन्ना। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल कुमाऊँ ऑफिशियल। तो दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा, आज का ट्यूटोरियल वीडियो इसी प्रकार का देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक भाई ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भेजा है कि भाई इस प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना सिखाइए। तो दोस्तों, अगर आप मेरे से कोई वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आपको सभी मटेरियल की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, चलते बिना देर के वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद अब आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपको मैं एक XML फाइल दे रखा हूँ, आपको उस XML फाइल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब दोस्तों, आपको XML फाइल पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपके पास XML फाइल कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको प्लस पे क्लिक करना है और आपको ऑडियो पे आ जाना है। तो दोस्तों, आपको मैं एक ऑडियो दे रखा हूँ, आपको उस ऑडियो को यहाँ पे ऐड करना है। तो दोस्तों, ऑडियो को ऐड करने के बाद अब आपको ऑडियो पे क्लिक करना है और आपको इसको नीचे की तरफ लेके आ जाना है। तो दोस्तों, कुछ इतना करने के बाद अब आपको ग्रुप प्लेयर पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे आना है। यहाँ पे आने के बाद अब आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे आना है और आपको मैं एक फोटो दे रखा हूँ, आपको उस फोटो को यहाँ पे ऐड करना है। फोटो को ऐड करने के बाद अब आपको फोटो पे क्लिक करना है और आपको इसकी लेयर को आगे की तरफ लेके चले जाना है। अब दोस्तों, आपको जहाँ पे ये बिट मार्क दिख रहा है, आपको इस फोटो को यहाँ से कट करना है। फोटो को कट करने के बाद अब आपको दोनों फोटो को नीचे की तरफ लेके आना है। अब दोस्तों, को फर्स्ट फोटो पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको इस फोटो में इफेक्ट को ऐड करना है। तो आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है। अब आपको सर्च करना है टेल्स। और अब आपको प्लस पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको इसको 500 तक ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, कुछ इतना करने के बाद अब आपको मूवमेंट एंड ट्रांसफर पे आ जाना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको बिट मार्क ऐड करना है, फोटो के एंड में आना है। अब आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। कुछ इतना करने के बाद अब आपको दूसरी फोटो पे क्लिक करना है, आपको फिर से मूवी एंड ट्रांसफर पे आ जाना है। अब आपको यहाँ पे एक बिट मार्क देना है। अब आपको फोटो के बीच में आना है। और जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपको इनको ऐड कर लेना है। अब फोटो के एंड में आना है। और जो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपको इनको ऐड कर लेना है। अब आपको बीक आ जाना है। तो आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से हमारा इफेक्ट ऐड हो गया। अब दोस्तों, आपको जहाँ पे ये बिट मार्क दिख रहा है आपको वहाँ पे आ जाना है। अब आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे आना है और आपको मैं एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो दे रखा हूँ, आपको उस वीडियो को ऐड करना है। वीडियो को ऐड करने के बाद अब आपको वीडियो पे क्लिक करना है, C.com पे क्लिक करना है, आपको कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। कुछ इतना करने के बाद आपको ब्लेंडिंग पे आना है, लाइट पे आना है और आपको स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, आप आपको एक्स्ट्रा लेयर को कट कर देना है। तो दोस्तों, अब आपको मैं एक बार वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ मेरी वीडियो कैसे एडिट हुई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरी वीडियो अच्छी तरीके से एडिट हो गई है। अब दोस्तों, आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा एक्सपोर्ट का आइकन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा एक्सपोर्ट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है।
तो आप जैसे क्लिक करोगे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वो भी इसी प्रकार की वीडियो एडिटिंग करना सीख सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।